एब्सेंट हुआ तो क्लास रिकॉर्डिंग भेज दो। फीस कलेक्शन ऑटोमेटिक। मार्केटिंग कैसे करेंगे? टीचमेंट वेबसाइट बना के देगा ना। टीचमेंट? अब पूरे इंडिया को मैथ्स पढ़ाओ सर। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में कॉलेज परीक्षाओं को लेकर आज की एक और बड़ी अपडेट आपके लिए लेकर आ गया हूं। क्या है पूरी अपडेट आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की यूजफुल वीडियो हम आपके लिए हमेशा लाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पूरी अपडेट आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर आपको दिखाई देने वाली है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें परीक्षाओं को लेकर भी अपडेट है कि परीक्षाएं कब तक संभावित हो सकती हैं। कि देखिए, लगातार दूसरे साल गड़बड़ाएगा विश्वविद्यालयों का एकेडमिक कैलेंडर। यानी पिछले साल भी एकेडमिक कैलेंडर गड़बड़ा गया था और इस बार भी गड़बड़ा गया, और इस वजह से दोस्तों आपकी परीक्षाएं बहुत ज्यादा लेट होंगी और अगला सत्र भी बहुत ज्यादा प्रभावित होने वाला है। तो देखिए पूरी अपडेट हम पढ़ते हैं कि प्रतिवर्ष कुलाधिपति जारी करते हैं प्रदेश की यूनिवर्सिटी का एकेडमिक शेड्यूल। राज्य के विश्वविद्यालयों में राजभवन का अकादमिक कैलेंडर लगातार दूसरी बार गड़बड़ाएगा, क्योंकि देखिए सारा जो कॉलेज का सिस्टम है वो 30 जून तक कंप्लीट करना होता है और 1 जुलाई से नया सत्र प्रारंभ होता है। तो ऐसे आसार इस बार नहीं लग रहे हैं। तो ऐसा साफ साफ यहाँ पर कहा गया है कि इस बार परीक्षाएं लगभग 500 परीक्षाएं करवानी होती हैं, चाहे बीए बीएससी बीकॉम हो, लेकिन इस बार जून तक 30 जून तक ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। कब तक आसार हैं ये भी आपको मैं बताने वाला हूं, लेकिन पहले अपडेट पढ़िए कि बीते साल भी कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के कारण विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ी थी। बाद में सितंबर से दिसंबर तक परीक्षाएं करवाई गई थी, सितंबर से दिसंबर तक परीक्षाओं का आयोजन करवाया गया था। इस साल भी हालत ऐसे ही है, राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में परीक्षाएं अटकी हुई हैं। उस शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित समिति की सिफारिश के अनुसार जुलाई से सितंबर के बीच में परीक्षाएं करवाई जा सकती हैं। परीक्षाओं को कराने में 45 से 60 दिन लगेंगे, लगभग 1.5 से 2 महीने परीक्षाएं करवाने में लगेंगे, और जुलाई से लेकर सितंबर तक इस बार परीक्षाओं का आयोजन कराया जा सकता है। जैसे कि आप अपडेट देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये पूरी अपडेट मैंने आपको शेयर की है कि परीक्षाओं का आयोजन कब तक हो सकता है, जुलाई से सितंबर तक, जैसे कि हम लगातार आपसे बातचीत कर रहे हैं। और आज के न्यूज़पेपर में भी ये बड़ी अपडेट आई है, क्योंकि इस बार भी जो विश्वविद्यालयों का अकादमिक कैलेंडर है वो गड़बड़ा जा चुका है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि इस तरह की यूजफुल वीडियो हम आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।